हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे ALP और टेक्नीशियन का CBT2 एग्जाम सेंटर दूर होने के कारण और रेलवे में रिजर्वेशन या रेलवे टिकट ना मिलने के कारण काफ़ी बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर NDTV इंडिया के द्वारा यह न्यूज़ आप लोगों की जो समस्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि भारत दुनिया का अनोखा देश है जहाँ रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा के लिए बच्चे को 26 घंटे की रेल यात्रा करनी पड़ रही है और लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों को करनी पड़ रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करने में व्यस्त रेल मंत्री अपने ही टाइमलाइन पर आ रहे अनेक मैसेज को नोट करना चाहिए और समाधान इसका करना चाहिए। और इस एग्ज़ाम में बहुत ही साधारण और किसान परिवार के छात्र शामिल हैं जिन्हें इस इम्तिहान को देने में लगभग 10,000 से 20,000 रुपये खर्च करनी पड़ सकती है। और दोस्तों, इससे पहले भी आप लोगों को इस एग्ज़ाम देने में काफ़ी जो है परेशानी और काफ़ी एग्ज़ाम देने में आप लोगों को काफ़ी पैसे खर्च करनी पड़ी थी। और दोस्तों, इससे पहले जो रेलवे ALP और टेक्नीशियन का CBT1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 47 लाख स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए थे और लगभग 74% स्टूडेंट ही इस परीक्षा में शामिल हो पाए थे। यानी दोस्तों, 12 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम को सेंटर दूर होने के कारण नहीं दे पाए थे। और अभी जो CBT2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग 12 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। फिर भी उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेंटर दूर होने के कारण काफ़ी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, एक हिसाब लगाया गया है कि एक स्टूडेंट का बीकानेर से नागपुर जाने के लिए एक ही ट्रेन है और वो भी हफ्ते में 1 से 2 दिन ही चलती है और उनका यात्रा जो है 26 घंटे का सफ़र करना पड़ रहा है और लगभग उनका यात्रा दोनों तरफ का यात्रा करने में 3240 रुपया उनको खर्च करनी पड़ रही है। और ऐसे में उन्हें नागपुर 2 दिन वहाँ रुकना है, यानी एक ही परीक्षा देने में उन्हें 7 दिन समय लगेगा और उसमें उनका खर्च जो है लगभग 10,000 रुपया खर्च आ रही है। और दोस्तों, ऐसे में प्रयागराज से कर्नाटक से हुबली भेजने का क्या मतलब है, उन्हें 32 घंटे का सफ़र करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों, आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोग सब समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितनी दूरी यात्रा करनी पड़ रही है। और दोस्तों, यह प्रॉब्लम एक ही राज्य की नहीं है, कई राज्य के छात्रों को साथ यह प्रॉब्लम आ रही है और उनका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को यह पूरा जानकारी दी गई है इसमें और आप लोगों की समस्या के बारे में इसमें बताया जा रहा है। और दोस्तों, अपनी समस्या को लेकर स्टूडेंट जो हैं ट्वीट कर रहे हैं, यानी रेल मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं और अपनी समस्या को लेकर उन्हें ट्वीट कर रहे हैं कि अपनी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए और रेल मंत्री जी को अपनी इन छात्रों की समस्या को हल जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में रेल मंत्री ने अपने ट्विट हैंडल पर रोजगार से संबंधित एक प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें भाषण में से लगता है कि रेलवे में 1 लाख से अधिक रोजगार दे दिए हैं। सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो थी 31 मार्च 2018 की थी और 4 महीने बाद 9 से 13 अगस्त 2018 के बीच पहली परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में रिजल्ट निकलने में 20 अगस्त 2018 यानी साढ़े तीन महीने का वक्त लगा और दूसरे चरण की परीक्षा जो है 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को होगी। अगर 3.5 महीने का अवसर निकाले तो रिजल्ट आते आते मई 2019 हो जाएगी। उस समय देश में लगभग लोकसभा चुनाव हो रहा होगा और मई 2019 में रिजल्ट आ भी जाए तो मनोवैज्ञानिक और मेडिकल जांच बाकी है। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। कुल मिलाकर अगर 2019 से पहले अंतिम रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। यानी दोस्तों, आप लोगों का इस एग्ज़ाम जो आप लोग दे रहे हैं इसका ज्वाइनिंग करने में आप लोगों को और भी अधिक समय लग सकता है। यानी दोस्तों, आप लोगों को अगस्त नवंबर या 2020 तक का समय लग सकता है इस एग्ज़ाम को ज्वाइनिंग करने में। यानी दोस्तों, बीच में आप लोगों का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, अगर उससे पहले यह काम नहीं हुआ तो आप लोगों का जो इसका मेरिट रिजल्ट आते आते आप लोगों को काफ़ी समय लग सकता है, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर